क्या आप भी स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? चर्म रोग आपको तंग कर रहा है, बार बार आप मेडिसिंस ले रहे हैं पर दवाइयां इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट करा चुके हैं लेकिन आपको वो रिलीफ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो क्या इसमें वास्तु का रोल हो सकता है? तो जी हाँ, हम एक लेवल पे स्किन में आई प्रॉब्लम्स के लिए अपने घर में वास्तु दोष को देख सकते हैं और उसे ठीक कर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो दवाइयाँ लगना शुरू होंगी और आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो नमस्कार, मैं हूँ सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्टो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाइए जो कि स्किन से रिलेटेड हो। आजकल टीनएजर्स में, रेदर मिडिल एज लेडीज में और जेंट्स में स्किन को लेकर बहुत इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, इसमें खान पान और एनवायरनमेंट का फर्क तो है ही। अगर हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जो हमारी स्किन को हार्म कर रही है या फिर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है जो कि स्किन को हार्म कर रहा है, ये फैक्टर्स हम याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि हमारा रूटीन जो है डेली रूटीन अच्छा हो, हम अच्छी डाइट खाएं, वॉक करें, हम अपने डेली रूटीन को अच्छा बनाएं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले, वास्तु से पहले भी इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब आपका कहना है कि मैं ये सब चीजों का ध्यान रख रही हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरी स्किन में वो ग्लो नहीं है, मेरी स्किन में बहुत पैचेस हैं, दाग दाग छाइयां आ गई हैं, स्किन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मैं वास्तु के हिसाब से क्या देखूं और किस डायरेक्शन को देखूं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी कि स्किन के लिए आप किन किन डायरेक्शंस को देख सकते हैं और उन डायरेक्शंस में क्या क्या उपाय करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी कि आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो चेक कीजिए कि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हरा रंग या हरे रंग के प्लांट्स तो नहीं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है एज पर प्लैनेट मून की डायरेक्शन और हरा रंग है मरकरी। मून और मरकरी की कभी नहीं बनी एज पर एस्ट्रोलॉजिकली, दो ये माता पिता मतलब माँ बेटा हैं लेकिन फिर भी इनकी आपस में बनी नहीं, तो इसलिए भी दिक्कत आती है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में हरे रंग के प्लांट्स या हरा रंग किसी भी तरह से ऐड है, हो सकता है आपने वॉल पे किया हो सकता है आपने कर्टन टांगे हो सकता है आपने कारपेट बिछाया हो नॉर्थ वेस्ट में, तो ये आपको स्किन इश्यूज दे सकता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन कलर ऐड ना करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन देखने की जरूरत है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी, हमारी ओवरऑल हेल्थ की डायरेक्शन। अगर आप बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आपको हीलिंग नहीं मिल रही है, आपको दवाइयां खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से चेक करने की जरूरत है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर आ गया, देखिए रेड कलर यानी कि रेड की फैमिली का कलर यानी पिंक, मजेंटा, ऑरेंज, ऐसा कोई कलर आ जाए, यहाँ डस्टबिन रखा हो, यहाँ किचन आ जाए, फायर की एक्टिविटी हो, तो आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, स्किन में रैशेस हो सकते हैं और आपकी हीलिंग प्रोसेस जो होगी ना वो भी स्लो डाउन हो जाएगी और भी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में फायर अलाउड नहीं है और फायर यहाँ रेड कलर या किचन की फॉर्म में आती है तो आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है और आपकी स्किन में रिकवरी भी नहीं होने देती है। अब देखिए, स्किन की प्रॉब्लम के लिए जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड यानी मंगल, अगर ग्रह की बात करें मंगल, तो हमारे घर में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, देखिए ऐसे तो साउथ ईस्ट को वीनस का कहा जाता है लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो मार्स जो है फायर और ब्लड है, फायर की ये डायरेक्शंस में अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है या सिल्वर ग्रे कलर आ जाता है, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है, सेप्टिक टैंक आ जाता है, यहाँ बोरिंग आ जाती है, तो भी हमारे ब्लड में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और जिसके कारण स्किन में
इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो पहले ही ब्लड के टेस्ट करा देते हैं। तो ब्लड में इन्फेक्शन का होना इनडायरेक्शन से भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आपके घर में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ पूरी तरह से बैलेंस हो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब एक जो बहुत बड़ा ओवरऑल फैक्टर हमें देखना है ना हमारे घर में, कि घर में कहीं सीलन यानी कि वो जो डंपनेस हो जाती है ना, कहीं कहीं पानी लीकेज हो रहा होता है, कोई पाइप फट जाती है और दीवारें गीली गीली होने लग जाती हैं, दीवारों से पपड़ी उतरने लग जाती है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई सीन बन रहा है तो वो भी आपकी स्किन को बुरी तरह हैम्पर कर सकता है। देखिए, हमारा जो घर है ना, हमारी स्किन हमें ऊपर से दिखती है और हमारे घर की स्किन ये दीवारें हैं। अगर वहां से दीवारों से कुछ झड़ रहा है तो हमें स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर हमारे घर में नलके से भी पानी टप टप करके निकलता है तो वो भी स्किन इश्यूज दे सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में कोई भी पाइपलाइन फट गई है जिसके कारण दीवारों में सीलन है, तो उसे तुरंत रिपेयर करा लीजिए, उसे तुरंत ठीक करा लीजिए, नहीं तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से वहां दीवारों से पपड़ी उतरेगी, उस तरह से आपकी स्किन से भी पपड़ी उतरनी शुरू हो जाएगी, आपके स्किन में भी रैशेस रहेंगे, स्किन बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं रहेगी। तो इन चीजों का आपको पूरे तरह से ध्यान देना है और आपको पूरी अच्छे से अपने घर की साफ सफाई भी रखनी है, क्योंकि वास्तु, ओवरऑल वास्तु का भी यहाँ रोल होता है। ये चीजें तो मैंने आपको बताई वास्तु के हिसाब से, एक बार छोटा सा रीकैप कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। नॉर्थ वेस्ट से आपको ग्रीन कलर को रिमूव करना है, चाहे वो प्लांट्स हो, कर्टन हो या वॉलपेपर, किसी भी तरह से ग्रीन कलर है। नॉर्थ ईस्ट से आपको फायर के कलर्स को या फायर को पूरी तरह से हटाना है, यानी रेड, ऑरेंज, मजेंटा, पिंक कलर है तो उन्हें रिमूव कीजिए। फायर है तो नॉर्थ ईस्ट में उसके नीचे आप ग्रीन कलर का, बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर रखिए या वहां पे आए हुए चूल्हे को ग्रीन कलर से बैलेंस कीजिए। डस्टबिन है तो वहां से उसे हटा दीजिए। इसके बाद ब्लड के लिए फायर जोन्स में चेक कीजिए, कोई ब्लू ब्लैक कलर ना हो, सिल्वर, मेटालिक ग्रे, ऐसे कलर्स ना हो। इसके साथ साथ बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, देखिए ये तो हटाना ही पड़ेगा, इसको रीलोकेट कर दीजिए, नहीं तो आपका पैसा भी फंसना शुरू हो जाएगा। स्किन के इश्यूज के साथ साथ आपका पैसा भी मार्केट में फंसेगा, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम देगा, लिटिगेशन की प्रॉब्लम देगा, आपके नाम को पानी में डुबो देगा, ये चीजें होनी शुरू होंगी आपके साथ साथ। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो कौन सा ऐसा प्लैनेट्स है जो कि हम कुंडली में चेक करें और हम देख पाए कि हमें स्किन की बीमारी कहाँ से आ रही है। देखिए, कुंडली में जो सिक्स हाउस होता है ना, वो होता है छोटी मोटी बीमारियों का घर। तो सिक्स हाउस को चेक करना है कि कहीं सिक्स हाउस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। इसके साथ साथ बुध, जो कि हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस, जो कि हमारे चेहरे की चमक है, हमारी वो अट्रैक्शन पावर है, और मंगल, ब्लड, ये तीन प्लैनेट अगर हमारी कुंडली में नीच के हो गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं बुध नीच का होता है 12 नंबर की राशि में, और शुक्र नीच का होता है 6 नंबर की राशि में, और इसके साथ साथ मंगल नीच का होता है 4 नंबर की राशि में। तो अगर ये प्लैनेट्स नीच होंगे तो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और अगर स्किन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वाली बात है तो इन्फेक्शन देते हैं राहु और केतु। अगर ये प्लैनेट्स राहु और केतु किसी तरह से भी बुध को, शुक्र को और मंगल को ग्रस्त कर रहे हैं, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं या युति बना के उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वो ये दिक्कतें दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसे उपाय क्या करें जो हमें जल्दी से रिलीफ मिल जाए। तो देखिए, राहु रिप्रेजेंट करता है, अगर हम किचन ग्रोसरी में बात करें तो हमारी जो चाय पत्ती होती है ना, जो हम चाय बनाने में टी यूज करते हैं, वो होती है राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप स्वीपर्स को टाइमली थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती डोनेट करते रहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, आपका राहु जो है वो इन्फेक्शन वाली चीज कम होनी शुरू होगी। ये एक रेमेडियल पार्ट है जिसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट हैं, तो आप ये जरूर कीजिए। इसके साथ साथ केतु को कंट्रोल करने के लिए कुत्ते को आप फीड करना शुरू कीजिए। तो जैसे ही राहु और केतु
की रेमेडीज आप करना शुरू करेंगे तो इन्फेक्शन से होने वाली स्किन डिजीजेस आपकी लाइफ में कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन डायरेक्शंस के लिए हमने बात की है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और इसके साथ साथ फायर जोन्स, इन्हें बैलेंस कीजिए। पूरी उम्मीद है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम, जिसके रिजल्ट आपको पहले नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी मेडिकेशन करने के बाद दवाइयां नहीं लग रही थी, वो लगनी शुरू होंगी और आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। देखिए, जब भी हम वास्तु को किसी बीमारी से कनेक्ट करते हैं तो एक बात हम हमेशा कहते हैं कि आपको इस बात का पूरा ध्यान देना है कि आपको डॉक्टर की दवाइयों को बंद नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर की जो दवाइयां हैं ना, वो साथ साथ चलनी चाहिए और उसके साथ साथ ये वास्तु को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत क्विक और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे जवान बच्चे, बहुत सारे यंग बच्चे स्किन डिजीजेस से बुरी तरह से डिमोटिवेट हो रखे हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचाते हैं और अगर वो राहु केतु वाली रेमेडीज भी कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिलीफ मिलने शुरू होंगे। उनकी जिंदगी का जो एक एरिया है जिसको लेके वो कभी कभी एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो सॉल्व होना शुरू होगा और उसकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं आपको नई नई वीडियोज भेजती रहूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार।